हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHEL के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, BHEL में आपको देखने को मिल रहा है लगातार दो दिन से यहाँ पे स्टॉक आपको गिरावट दिखा रहा है और आज 65 रुपये के आसपास देखिए स्टॉक ने आपको क्लोजिंग दी है और स्टॉक में आपको आज फिर से देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बाज़ार देखिए काफ़ी बढ़िया चल रहा है, उसके बावजूद देखिए BHEL आपको बढ़िया करता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि BHEL में यहाँ पर गिरावट कब रुकेगी और क्या गिरावट में खरीदारी करना चाहिए, क्या दोस्तों यहाँ से आपको गिरावट के अंदर खरीदारी करके यहाँ पे बढ़िया फिर मुनाफा हो सकता है और क्या होंगे दोस्तों BHEL के कल के लक्ष्य, तो आपको दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले BHEL के यहाँ पर स्टॉक पर जाते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि कैसा आपको BHEL आज करता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए, BHEL ने यहाँ पे 64.65 पे क्लोजिंग दी, आपको करीबन 1.40 रुपये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 2.12% यहाँ पे BHEL के अंदर देखिए आज आपको गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक आज आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए प्रेशर में नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे बाजार बढ़िया कर रहा था उसके बावजूद देखिए BHEL आपको गिरता हुआ नजर आया। 64.65 के आसपास की देखिए क्लोजिंग है आज की और 1.40 रुपये स्टॉक यहाँ पे आपको गिरता हुआ नजर आया 2.12%। तो BHEL में देखिए आज हुआ क्या, शुरुआत देखिए, शुरुआत में कंसोलिडेशन देखने को मिला। कंसोलिडेशन लेवल्स के आसपास जो थे 66-67 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे हमको देखने को मिले। और यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली, 67 का लेवल जैसे ही इसने टच किया उसके बाद आप देखिए स्टॉक किस तेज़ी से आपको नीचे आता हुआ नजर आया। कोई मार्केट का प्रेशर नहीं था देखिए साफ बात, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर डेफिनेटली गिरता तो प्रेशर डेफिनेटली समझ में आता है कि देखिए मार्केट के कारण गिरावट है। लेकिन आज मार्केट में कोई प्रेशर नहीं था, उसके बावजूद आप देखिए स्टॉक कितनी तेज़ी से यहाँ पे नीचे आता हुआ नजर आया। और जिस तेज़ी से देखिए स्टॉक ने यहाँ पे लो टच किया है बनाया करीबन यहाँ पे देखिए 64.75 के आसपास, तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम था वो साइडवेज यहाँ पे जाता गया और स्टॉक देखिए दिन के लो पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देता है। आज जो देखिए रेंज में हमको BHEL ने ट्रेडिंग करे वो है दोस्तों करीबन 64.40 और 66.95। तो डेफिनेटली देखिए एक रेजिस्टेंस हमको दिखा है 67 रुपीज़ का। और पिछले 5 दिन के अंदर देखिए शेयर के अंदर हमको काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन के अंदर करीबन यहाँ पे 1% ज़्यादा देखिए स्टॉक हमको गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। लेकिन जो लेवल से रिकवरी दिखाई थी वो भी देखिए ये लेवल्स ही थे, करंट लेवल के आसपास ही देखिए रिकवरी दिखानी चालू की थी और स्टॉक 69 रुपीज़ के लेवल तक गया था। लेकिन अब देखिए फिर स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है और पिछला 1 महीना डेफिनेटली देखिए BHEL के लिए काफ़ी बुरा रहा है। करीबन 10% के आसपास देखिए गिरावट देखने को मिली है। गिरावट क्यों हुई सबको पता है देखिए नतीजों के कारण। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या यहाँ पे लोअर लेवल्स पे रिकवरी जो हमको लोअर लेवल्स पे मिल रहा है यहाँ पे क्या लोग देखिए बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए हाँ, लोग लोअर लेवल्स पे देखिए यहाँ पे अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज वॉल्यूम्स दोस्तों वो साफ साफ बताता है, आज वॉल्यूम्स कितनी देखने को मिली चलिए सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए BHEL में जो आज हमको देखने को मिला, जैसे मैंने कहा क्लोजिंग जो देखने को मिली वो डेफिनेटली इतनी कोई खास नहीं है, बिकॉज लो के आसपास क्लोजिंग दी है। 64.40 का लो है, 64.65 के आसपास की देखिए आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो डेफिनेटली देखिए गिरावट तो आज हमको यहाँ पे इंटैक्ट देखने को मिली है। BHEL काफ़ी देखिए तेज़ी से आपको डेफिनेटली नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज वॉल्यूम्स कितनी देखने को मिली, वॉल्यूम्स का डिलीवरी परसेंटेज कितना है, देखिए करीबन 4 करोड़ शेयर्स यहाँ पे आज डिलीवरी 4 करोड़ शेयर्स यहाँ पे देखिए आज ट्रेड होते हुए नजर आए, जिसमें से करीबन 79 लाख स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखिए आज डिलीवरी उठाए गए और करीबन 18% के आसपास की देखिए डिलीवरी आज मार्क हुई है। तो डेफिनेटली डिलीवरी परसेंटेज भी आपको आज इतना कोई खास बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन कह सकते हैं कि डिलीवरी अभी ठीक ठाक उठाई जा रही है। 4 करोड़ 37 लाख शेयर्स डेफिनेटली आज काफ़ी कम शेयर्स ट्रेडिंग हुई है, बिकॉज BHEL में देखिए जिस तरह से आज गिरावट बन रही थी लोग काफ़ी कम देखिए पोजीशंस आज ले रहे थे और यही हमको आज देखिए साफ साफ देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है देखिए, आज हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखिए ऑर्डर प्राइस लगता हुआ देखने को मिला है, ज़्यादा देखिए आज बाइंग हुई है लोअर लेवल्स पे, देखिए लोगों ने यहाँ पे आज अक्यूमुलेट करने की कोशिश की है स्टॉक को और वही आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 79.55 का 52 वीक हाई है और स्टॉक में रिजल्ट के कारण देखिए थोड़ा प्रेशर बनना था वो जो आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको हर बार देखने को मिला रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है, लेकिन उस गिरावट के बाद जो तेज़ी दिखाता है BHEL वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। और वो देखिए हमने सब देखी है, 80 रुपये तक देखिए आपको स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ नजर आया, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के कारण आई है और थोड़ी बहुत देखिए जो ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर रही है स्टॉक को उसके कारण आई है। लेकिन जैसे आपको मैंने पहले भी कहा है कि देखिए ब्रोकरेज डाउनग्रेड जब भी करती है तो वो देखिए सीधे सीधे प्लानिंग होती है, बिकॉज ताकि वो स्टॉक डाउन आ जाए देन वो खुद अक्यूमुलेट कर ले और फिर देखिए यहाँ पे बाइंग करे। तो डेफिनेटली देखिए आपको समझ के चलना है कि क्यों गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन आपको देखिए गिरावट के अंदर इसको खरीदारी करनी है। देखिए अगर आप गिरावट में बाय नहीं करेंगे तो फिर आप देखिए तेज़ी में बाय करते तो फिर फंस जाते हैं, डेफिनेटली वो हमको देखने को मिला है। लेकिन BHEL एक ऐसा काउंटर है जो डेफिनेटली न्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज एसेट मोनेटाइजेशन हो जाए
या फिर आप देख के आप मान के चलिए कंपनी का प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हो, तो डेफिनेटली देखिए BHL काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और इसी कारण देखिए स्टॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को काफ़ी बार मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि BHEL में आपको कल क्या करना है और आगे के टारगेट्स क्या मान के चलने हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा कल के लिए। चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर एक और बार नज़र डालते हैं। तो देखिए, जो आज हमको देखने को मिला है, स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 65 रुपये का, जो आज ब्रेक हुआ है। 65 रुपये के नीचे की देखिए आज क्लोजिंग देखने को मिली, जो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि क्लोजिंग बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। देखिए मैं आपको बिल्कुल अनबायस चीज़ बताता हूँ, क्लोजिंग बढ़िया नहीं है तो देखिए बढ़िया नहीं है, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है। और स्टॉक के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, क्या लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई है? तो देखिए टेक्निकल्स पे हम देखते हैं एक बार कि क्या लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई है। तो जैसे देखिए पहले उधर ऑर्डर बुक दिखा रही है कि यहाँ पे लोग लोअर लेवल्स पे बाय करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और वो अगर हम यहाँ पे देखते तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे भी बाइंग ही दिखा रहा है। तो आप समझ के चलिए कि लोअर लेवल्स पे लोग कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं उठाने की। और मुझे लगता है कि देखिए जिस लेवल के आसपास BHEL अभी मिल रहा है, अभी आपको देखिए 4 दिन पहले BHEL में इन्हीं लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी और 69 रुपीज़ तक स्टॉक गया था। तो आप समझ के चलिए जिन लेवल के आसपास मिल रहा है वो BHEL के बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और वहाँ से BHEL ने काफ़ी बार पुल बैक दिखाया है, जो साफ साफ देखिए हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बिकॉज लोअर लेवल्स पे जिस तरह से रिकवरी आ रही है, रिकवरी इन द सेंस बाइंग जिस तरह से देखिए लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यही देखिए मुझे लगता है कि मौका है वापस से BHEL के अंदर एंटर लेने का। और देखिए जिन लोगों ने BHEL ऊपर के लेवल्स पे ले रखा है, वो डेफिनेटली देखिए बिना चिंता के होल्ड करके चलिए। भले आपको देखिए कंपनी यहाँ पे लॉस रिपोर्ट कर रही है, लेकिन जैसे आपको पहले भी कहा है लॉस क्यों आया है, इसके भी दोस्तों काफ़ी कारण है। लॉस साफ साफ देखिए कंपनी की तरफ से बयान आ चुका है कि प्रोविजंस के कारण आया है लॉस, अदरवाइज कंपनी इज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि प्रोविजंस के कारण कंपनी का लॉस रिपोर्ट हुआ है, अदरवाइज कंपनी काफ़ी बढ़िया करती नजर आई थी। और यही देखिए साफ साफ कंपनी के बयान जो निकल के आया था, जो स्टेटमेंट निकल के आया था, उसमें साफ साफ देखिए दर्शाया था। तो बिल्कुल अब करना क्या होगा कल के लिए, अब चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है वो डेफिनेटली थोड़ी सी खराब है, तो कल के लिए जो सपोर्ट होगा, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले करंट लेवल के आसपास बाय करके चलना है। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगा के चलना है दोस्तों यहाँ से कल के लिए 64 रुपीज़ का। जो टारगेट रखने दोस्तों हमको कल के, वो रखने यहाँ से 67 रुपीज़ के। देखिए BHEL बढ़िया करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, बाइंग भी आ रही है, लोअर लेवल्स पे लोग खरीदारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ये लगता है कि देखिए BHEL यहाँ से आपको डेफिनेटली बढ़िया पोजीशंस बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए बढ़िया यहाँ पे मौका मिल सकता है खरीदारी करने का भी, और यहाँ से इजी गेंस पाने का भी। बस सपोर्ट को देखिए मेंटेन रखना है, सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो देखिए दिक्कत है, अदरवाइज स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा है, और देखिए इसने रिटर्न्स कमा के भी दिए हैं। जब गिरावट आती है तो देखिए थोड़ा बहुत आपको स्टॉक में पेशेंस रखना पड़ता है, मैंने आपको हर बार कहा है, और उसका देखिए आपको रिटर्न्स कमा के स्टॉक हर गए। तो डेफिनेटली देखिए ये थोड़ा सा पेशेंस का खेल है, पेशेंस जो रखेगा देखिए वो यहाँ पे कमा लेगा, लेकिन जो पेशेंस नहीं रखेगा डेफिनेटली देखिए उसको यहाँ पे गंवाना ही पड़ेगा। और BHEL एक ऐसा काउंटर है देखिए जिसने पेशेंस पे डेफिनेटली देखिए वो वर्थ वाइल रहा भी है। तो यही देखिए मेरी खरीदारी की सलाह है, करंट लेवल के आसपास जैसे आपने कहा बाय करके चलिए, सपोर्ट बस यहाँ पे 64 रुपीज़ का कल का मेंटेन करके चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल से नए जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।